हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब जो हमारा ये मंथ है, नवंबर का जो मंथ है वो बहुत ही पावरफुल मंथ है। और आज की जो डेट है 11/11/11, अगर 2018 को भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो 11 आएगा। तो जो 11/11/11 का कॉम्बिनेशन है, हम ये जानते हैं कि सब कुछ एनर्जीज है, सब कुछ नंबर्स है। ये नंबर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, और स्पेशली जब 11 का एनर्जी जो नंबर होता है, जो 11/11 होता है, अब ये ट्रिपल लेवल बन रहा है, 11/11/11 बन रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, एनर्जी का पोर्टल है, और एक ग्लोबल शिफ्ट का साइन है। ये जो अब हमारा ये मंथ है, इसमें बहुत शिफ्ट हो रहा है, पोर्टल ओपन हो रहा है, एनर्जीज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है सिस्टम हमारा। तो बहुत ही पावरफुल महीना है ये, और आज का जो दिन है, स्पेशली आज के बाद से जो दिन होंगे वो बहुत ही पावरफुल रहेंगे। इसमें हम बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज देख सकते हैं, और डिफरेंट साइंस देख सकते हैं, और बहुत लोगों को फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकता है महसूस हो। इस वक्त बहुत जन है जो अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक मास अवेकनिंग से प्लैनेट अर्थ हमारा गुजर रहा है। बहुत से लोग अपने कॉन्शियसनेस उनका इंक्रीज हो रहा है, हायर लेवल में जा रहे हैं। जो उनका कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो हायर लेवल पर उनकी पहुंच रही है। तो ये अब आज से जो आने वाले दिन है, उसमें हम 4D में एंटर कर रहे हैं, 3D से 4D से 4D में हम एंटर कर रहे हैं। तो अब जो टाइम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, और अब आने वाले दिनों में आप चेंजेस देखने लगोगे, बहुत सारे चेंजेस दिखने लगेंगे। तो उस वक्त हमारी बॉडी भी अपग्रेड हो रही है, ये सारे जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज से हमारी बॉडी अपग्रेड हो रही है, हमारा DNA अपग्रेड हो रहा है। तो हो सकता है आपको इस वक्त कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हो, जैसे बॉडी पेन्स होना, बैक पेन होना, हेडेक्स होना, या नींद बहुत ज़्यादा आना, या रात में नींद नहीं आना, स्लीपलेसनेस फील होना, ईयर में रिंगिंग सेंसेशंस होना। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत लोग महसूस कर सक रहे हैं, या फीवरिश फील होना, फीवर जैसा फील होना। तो जब बहुत एनर्जीज आ रही है तो हमारा बॉडी का सिस्टम एक तरह का अपग्रेड हो रहा है, तो इसलिए फिजिकल रिएक्शंस इस वक्त ये सिम्टम्स बहुत लोगों को महसूस हो रहे हैं। और जहाँ तक सिंक्रोनिसिटीज़ की बात है, तो बहुत जन इन दिनों सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। हर एक नंबर जो हम देखते हैं, जैसे 11/11 नंबर होता है, ये एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, ये एक तरह का वेकअप कॉल बोलते हैं 11/11। जैसे ही हम अवेकन होने लग जाते हैं, तो बहुत से लोग ये नंबर्स देख रहे हैं, जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो बहुत से लोग इन दिनों ये नंबर्स देख रहे हैं। तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ हम देखते हैं इन दिनों, तो ये एक तरह का एक्टिवेशंस है हम जो रिसीव कर रहे हैं। हमारे DNA एक्टिवेट हो रहा है इन सब नंबर्स के थ्रू। ये जो नंबर्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो एक तरह के जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये एक्टिवेशंस कोड हम रिसीव कर रहे हैं। तो जो हमारा DNA, ये सारे डिजिटल कोड्स के फॉर्म में हमारे DNA एक्टिवेट हो रहा है। हम ये जानते ही हैं कि हमारा ये जो DNA होता है, इसमें सिर्फ 2% DNA होता है जो एक्टिवेट होता है, और 98% जिसे हम जंक DNA कहते हैं, वो जंक फॉर्म में जो DNA होता है, वो DNA जो होता है वो कोई जंक नहीं होता है। अगर हम उसको एक्टिवेट करें, हम जैसे जैसे उस लेवल पर कॉन्शियसनेस अपना बढ़ाने लगते हैं, तो वो जो जंक DNA है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। कई बार एंजल्स हमें साइन देते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स जो है हमें नंबर्स के थ्रू साइन देते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। नंबर्स के थ्रू हमारा DNA एक्टिवेट होता है, डिजिटल कोड्स होते हैं नंबर्स में जो हमारे DNA को एक्टिवेट करते हैं। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस नहीं है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, नंबर्स के थ्रू एक्टिवेशन इसे रिसीव होते हैं। तो ये सारे जो सिंक्रोनिसिटीज होते हैं, एक तरह का एक्टिवेशन इन्हें कह सकते हैं, कि आप शायद ये सब चीज़ें फिजिकल रियलिटी में नहीं समझ पाओ, बट ये अनकॉन्शियस लेवल में आपको एक्टिवेशंस दे रहे हैं। तो ये नंबर्स बहुत पावरफुल है, और इन दिनों अब जैसे कि आज का जो दिन है 11/11/11 बोल सकते हैं, अगर आप 2018 को कैलकुलेट करोगे तो वो 11/11/11 होगा।
तो नवंबर का महीना है, 11 मंथ है और आज 11th डे है नवंबर का। तो ये जो 11 11 11 का पोर्टल है, एक तरह का ये पोर्टल है, एनर्जी पोर्टल है, बहुत बड़ा एनर्जी पोर्टल है आज के दिन। और आज के बाद एक ग्लोबल शिफ्ट बोल सकते हैं आप, सबके कॉन्शियसनेस रेज हो रहे हैं, ओवरऑल मास अवेकनिंग से हम गुजर रहे हैं, हम सबका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, हम एक हायर कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहे हैं, 3D से 4D में एंटर कर रहे हैं। तो अब सबका मास लेवल पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है। ये आप शायद आज का आज आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखने आए, अब ये सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपको पता चलेगी। तो ये आज का पावरफुल दिन है और ग्लोबल शिफ्ट इसे आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा पोर्टल ओपनिंग हो रहा है आज के दिन। तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छे टाइम से हम गुजर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम प्लैनेट की सिचुएशंस भी देखें, जो हमारे प्लैनेटरी ग्रहों की स्थिति चल रही है, उन अब हम वक्री ग्रहों से गुजर रहे हैं। जब भी हम वक्री ग्रहों से गुजरते हैं तो हम एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का अच्छा टाइम होता है, कि जब हम अपने आप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं, क्या चीज़ ठीक नहीं चल रही है, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हमारा हायर पर्पस सर्व नहीं कर रही है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है हमारे लाइफ में। तो वो एक रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। अब शुक्र ग्रह वक्री चल रहा है 16 नवंबर तक, तो हो सकता है आपके पास के कुछ रिलेशनशिप्स आपके सामने आए, या कुछ मेमोरीज पास से रिलेटेड आपके सामने इन दिनों आए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने आ रही है, जैसे आप इन्हें ठीक करो, कुछ गलत गलतियाँ हो गई है पास में तो उन्हें आप करेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करके देखो क्या ठीक कर सकते हैं आप। तो ये जो टाइम चल रहा है, स्पेशली हमारे फाइनेंसेस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जो शुक्र ग्रह होता है वो लग्जरी को रूल करता है, प्लेजर को रूल करता है, तो ये सारी चीज़ें का टाइम अब इस वक्त चल रहा है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आप चेंजेस कर सकते हो अपने लाइफ में, इनको रिफ्लेक्ट करके इन्हें और सुधार सकते हो और ठीक कर सकते हो अपने लाइफ में। 16 नवंबर के बाद बुध वक्री होगा, तो जो प्लैनेट मर्क्यूरी है, बुध है, 3 3 वीक्स के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है। तो उन दिनों भी हम बुध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करके। तो जब भी कोई प्लैनेट वक्री हो रहा है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। तो कुछ टाइम आप अपने आप बिताइए, जर्नलिंग कीजिए, हो सकता है आप कुछ अपने आपके बारे में आप चाहो तो एक डायरी लेकर बैठ सकते हो, और अपने जो भी है आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसे आप जर्नलिंग कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का बहुत अच्छा टाइम है, कि जैसे ये प्लैनेट जब मार्गी हो, फिर से जब ये प्लैनेट फॉरवर्ड मोशन में चलेगा, मार्गी हो जाएंगे ग्रह, तो फिर आप अपने लाइफ में वो अपना जो आपने अब डिसाइड किया है, रिफ्लेक्ट करके देखा है, फिर आप वो राइट स्टेप्स लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और राइट डिसीजंस अपने लाइफ में ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अच्छा टाइम है। जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अच्छा पानी का इंटेक रखिए, अच्छा पानी पीजिए इन दिनों। जितना आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना आपके टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होंगे, और अगर आपके बॉडी को नींद चाहिए तो अच्छी नींद पूरी कीजिए इन दिनों। कीजिए जितना हो सके, एक हेल्दी खाना खाइए, तो ये सब आपके लिए अच्छा होगा। अब आने वाले दिनों में मैं कोशिश करके एनर्जी अपडेट आपको देते रहूँगी।